जो क्वेश्चन नंबर 71, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 71, जो क्वेश्चन नंबर 69 था ना, कुछ एकदम सिमिलर सा क्वेश्चन था इसी के जैसा। तो अगर आप 69 क्वेश्चन नंबर देखे हो तो ये क्वेश्चन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉज करके खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज। देखो प्राइस पेट्रोल कितना इंक्रीज आपको पता है, हर दिन इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे ही मान लो कि 100 रुपये, अभी तो करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 102 रुपया, 5 रुपया और 113 रुपया अलग अलग शहरों में ऐसे है। 100 रुपया केजी है और ये 19% से बढ़ जाता है, यानी क्या हो जाता है, प्राइस 119 रुपया। एंड सुनीता इंटेंट टू स्पेंड ओनली एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, यानी कि सुनीता का पास मान लो 100 रुपीज है। अब उसके पास बस अब कमाई बढ़ गया उसका भी, तो 112 ही रुपया हो पा रहा जो वो स्पेंड कर पाती है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट क्वांटिटी रिड्यूस होगा उसका, ठीक है, यानी कितना कम परचेज कर पा रही है। तो जैसे कि मैंने 79 ने बताया था कि जब आपके पास इनकम 100 है, ठीक है, ये क्या है प्राइस और ये क्या है इनकम आपका। जब आप इनके आपका इनकम 100 है, मान लो कि आप इनकम 100 है और प्राइस किसी चीज़ का क्या है, क्या है 10, यानी कि आप 10 क्या खरीद पा रहे, 10 मान लो कि 100 रुपया के जी है, 100 रुपया आपके पास है और 10 रुपया के जी किसी चीज का सामान है, यानी कि आप 10 के जी खरीद पाओगे उस सामान को। सिमिलरली आपके पास 100 रुपया है, देखो यहाँ पे इनकम है ऊपर में, डिवाइड किससे करना है इसी इसी चीज को मैं समझा रहा हूँ। तो इनकम आपके पास 100 रुपया और प्राइस उस चीज का 100 रुपया, यानी कि आप कितना खरीद पा रहे हो, 1 यूनिट यानी कि 1 लीटर खरीद पाओगे तेल का खरीद पाओगे। सिमिलरली अगर आपके पास 112 रुपया है तो, और जो प्राइस है किसी चीज का, प्राइस क्या होगा नीचे, ठीक है, 119 रुपया हो गया। तो अब आप कितना खरीद पाओगे, डेफिनेटली यहाँ पर रिड्यूस बोला है तो यानी कि कमी होगा। और आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो भी ये 112/119 यानी 1 से कमी आएगा, यानी कि 1 लीटर पहले वो खरीद पाती थी, कौन खरीद पाती थी, सुनीता, और अब वो 1 लीटर से कम खरीद पाएगी और आप लोग भी कम खरीद पाओगे। आप तो क्या चेंजेस आ रहा है, क्या यानी कि क्वांटिटी में पेट्रोल का क्या चेंजेस आ रहा है, पहले 1 लीटर था अब कितना कितना परसेंट का चेंज आ रहा है। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, पहले हमारा 1 था तो 1 के बेसिस मान के इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, माइनस मतलब का इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कितना का चेंज आ रहा है, ठीक है, यानी कि कितना कम खरीद पा रहे हैं पहले से। ये 9 to 100 कर दो तो परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 119 और 112, 7 7 डिवाइडेड बाई 119, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, 7 डिवाइड बाई 119 इंटू 100, 7 7 डिवाइड खुद से भी कर सकते हो आप, 119 इंटू 100। डेसिमल पॉइंट से पूछ रहा है तो आप इसको चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो 7 से, तो 7 से अगर क्या क्या डिवाइड हो जाएगा 7 से, देखते हैं, लेट्स ट्राई क्या जाता है, नहीं भी ट्राई होगा तो एक अंदाजा मिल जाएगा। 7 का 7 और 4 तो डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा, तो 17, 17 से जब आप कटाओगे इसको तो 17 से 21 डेसिमल पॉइंट, 17 5 कितना होता है, 17 5 16 85 और 17 5 85, 17 बार में तो 5 बार में तो जाएगा नहीं, 5 से ज़्यादा बार में जाएगा, यानी कि 17 छक्का देखते हैं, 17 × 6 = 42, या तो ये होगा या तो ये होगा, देखते हैं क्लोजेस्ट कौन जाता है। या फिर आप चाहो तो 85 + 17 भी डायरेक्ट कर सकते हो, 85 और + 17 क्या हो जाएगा, 95 और 7, 95 और 7 102 के आसपास, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये ज्यादा चला जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे फिर भी संतुष्टि के लिए कर लेते हैं, 42 6 का 6 4 11, 6 4 10 होता है, 11 नहीं होता है, तो 102 जा रहा है जो कि इसके करीब है पर करीब नहीं है। तो पूछ रहा है निकटतम पूर्णांक क्या होगा, निकटतम पूर्णांक 6 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन में गलती मत करना आप मेरे जैसा यहाँ पे जो मैंने किया, या फिर कोशिश करना अच्छे से करने का।